तो करेक्ट इसका आंसर है 100। सेकेंड है मीटर रूल कैन बी मेजर अप टू कितने मिलीमीटर तक की करेक्ट रीडिंग दे सकता है, अप टू 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर या 4 मिलीमीटर। तो हमने कहा था कि सबसे छोटी रीडिंग जो है वो मीटर रूल के ऊपर 1 मिलीमीटर होती है, तो ये अप टू 1 मिलीमीटर तक करेक्ट रीडिंग हमें दे सकता है। ठीक है जी। नंबर 3 है 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1000 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर या 1 ml। तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। नेक्स्ट है फिर 1 मिलीलीटर किसके बराबर आएगा, 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 2 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 3 क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर 4 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमने कहा था कि 1 ml इक्वल होता है किसके, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, वी कैन कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ इररेगुलर शेप ऑब्जेक्ट बाय द फॉर्मूला। हम लोगों ने अगर इररेगुलर शेप का किसी भी चीज का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, v इज इक्वल टू v1 माइनस v2, v इज इक्वल टू v2 माइनस v1, v इज इक्वल टू v1 या v इज इक्वल टू v2। तो उसके लिए हम करेक्ट आंसर कौन सा लगा रहे थे, v इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है डिफाइन पैरेलैक्स एरर। ठीक है जी। एन एरर ड्यू टू रॉन्ग पोजिशनिंग ऑफ आई इज कॉल्ड पैरेलैक्स एरर। क्या था पैरेलैक्स एरर, एरर ड्यू टू द रॉन्ग पोजिशनिंग ऑफ आई इज कॉल्ड पैरेलैक्स एरर। जब हम लोग रॉन्ग पोजिशन रखते हैं अपनी आई की, इधर फ्रॉम लेफ्ट साइड से देखते हैं या राइट साइड से देखते हैं, तो जो आपके पास गलत रीडिंग आती है उसमें एक एरर होता है, उस एरर को हम लोग कौन सा एरर कहते हैं, पैरेलैक्स एरर कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है व्हाट इज मीटर रूल, मीटर रूल क्या है। अ मीटर रूल इज 1 मीटर लॉन्ग ग्रेजुएटेड स्टिक, 1 मीटर लंबी ग्रेजुएटेड स्टिक है। ग्रेजुएटेड मतलब उसके ऊपर नंबरिंग की हुई है, उसके ऊपर निशान लगाए हुए, स्केल दिया हुआ है। इसके साथ यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, या डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मीटर रूल का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर मेजरिंग सिलेंडर्स। अ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, इट इज मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, इट हैज स्केल इन मिलीलीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर। या तो इसके अंदर मिलीलीटर में या क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर इसके ऊपर नंबरिंग या स्केल दिया हुआ होता है, जिसके ऊपर से हम लोग मेजर कर लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय मेनिस्कस। अब मेनिस्कस क्या था, ये हम लोगों ने एक ब्लॉक में पढ़ा था कि सब लिक्विड्स का मेनिस्कस जो है वो डाउनवर्ड मूव करता है, सिर्फ मर्करी का मेनिस्कस अपवर्ड मूव करता है। अभी हमने ये पता करना है मेनिस्कस है क्या। तो उसने क्या कहा, द लिक्विड इन मेजरिंग सिलेंडर हैज इट्स कर्व्ड सरफेस, दिस कर्व ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड मेनिस्कस। किसी भी सिलेंडर में या किसी भी चीज में आपके पास जो लिक्विड का यू कर्व्ड सरफेस बनती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेनिस्कस कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है कन्वर्ट इन डीएम क्यूब। 10 मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना था 5 मीटर क्यूब को और 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर को। तो 5 मीटर क्यूब हमने कहा 1 मीटर क्यूब इक्वल टू किसके होता है, 1000 डेसीमीटर क्यूब के। तो 5 मीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 1000 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ। तो आंसर आएगा आपके पास 5000 डेसीमीटर क्यूब, या अगर हम इसको प्रीफिक्स में लिखते हैं तो 5×10^3 क्योंकि आगे 3 0 है। ठीक है जी। और क्यूबिक डेसीमीटर, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। एस हमने कहा 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है ना, कि 1 dm इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर हम दोनों तरफ इसका क्यूब ले लेते हैं तो क्या होगा, 1 decimeter cube इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 decimeter of cube के, 1 decimeter cube के बराबर होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। और अगर हम इसने कहा 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करें तो वो कितने डीएम क्यूब आएंगे, 1 decimeter cube आएगा। ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपने इसको अच्छे तरीके से कन्वर्जन्स को खुद भी प्रैक्टिस करनी है और इसको अच्छे तरीके से लर्न भी करना है। अपना घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।